हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नया कॉम्पिटिशन वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं इंडिया के मोस्ट फेमस टॉल बॉय हैच कार वैगनआर के बेस वेरिएंट एलेक्साई को कंपेयर करूंगा मारुति की मोस्ट अंडररेटेड कार मारुति इग्निस के बेस वेरिएंट सिग्मा से। और वीडियो के आखिर में हमें पता चल जाएगा कि कौन सी कार आपके लिए बेस्ट होगी। इस वीडियो में इंजिन, डायमेंशंस, कंफर्ट फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, वारंटी, सर्विस सेंटर्स और प्राइस पॉइंट को कंपेयर किया जाएगा। नंबर वन, इंजन। मारुति वैगनआर में मिलता है BS6 कॉम्प्लायंट 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जबकि मारुति इग्निस में मिलता है BS6 कॉम्प्लायंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो वैगनआर के इंजन के मुकाबले ज्यादा साइलेंट है। पावर आउटपुट की बात करें तो वैगनआर का इंजन जनरेट करता है 67 HP का पावर और 90 Nm का टॉर्क, जबकि इग्निस का इंजन जनरेट करता है 82 HP का पावर और 113 Nm का टॉर्क। यानी कि मारुति इग्निस का इंजन वैगनआर के मुकाबले ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो वैगनआर में क्लेम किया जाता है 21.79 kmpl का माइलेज, जबकि इग्निस में 20.89 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। माइलेज की बात करें तो इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन ज्यादा पावरफुल और साइलेंट इंजन होने के वजह से मारुति इग्निस को मिलेगा फास्ट पैरामीटर का पहला पॉइंट। और अब स्कोर है वैगनआर 0 पॉइंट और इग्निस 1 पॉइंट। नंबर टू, डायमेंशंस। डायमेंशंस के बारे में बात करें तो मारुति वैगनआर लेंथ में 45 mm कम है इग्निस से, विड्थ में 70 mm कम है इग्निस से, हाइट में 80 mm ज्यादा है इग्निस से, बूट स्पेस में 81 लीटर ज्यादा है इग्निस से, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस में 15 mm कम है इग्निस से, और व्हील स्पेस दोनों का ही इक्वल है। तो इस डायमेंशंस में आप देख सकते हो मारुति वैगनआर हाइट और बूट स्पेस में आगे निकल जाता है, जो डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल फीचर है। लेकिन इग्निस में भी आपको अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो उबर खबर रास्तों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसीलिए इस सेकेंड पैरामीटर में दोनों में ही यूजफुल पॉइंट होने से दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलेगा। और अब स्कोर है वैगनआर 1 पॉइंट और इग्निस 2 पॉइंट। नंबर थ्री, कंफर्ट फीचर्स। कंफर्ट फीचर्स के नाम पर मारुति वैगनआर में मिलता है फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल AC विथ हीटर और एक्सेसरी सॉकेट। इसके मुकाबले मारुति इग्निस में मिलता है फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल AC विथ हीटर, एक्सेसरी सॉकेट और टिल्ट स्टीयरिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इग्निस में आपको ज्यादा कंफर्ट फीचर्स मिलता है कंपेयर टू वैगनआर। इसीलिए थर्ड पैरामीटर का पॉइंट जाएगा सिर्फ मारुति इग्निस को। और अब स्कोर है वैगनआर 1 पॉइंट और मारुति इग्निस 3 पॉइंट। नंबर फोर, सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो मारुति वैगनआर कोई बहुत ज्यादा सेफ कार है नहीं। क्रैश टेस्ट में इसे सिर्फ 2 स्टार मिला है, यानी कि मोस्ट अनसेफ कार। लेकिन फिर भी सेफ्टी फीचर्स के नाम पर वैगनआर में मिलता है ओनली ड्राइवर एयरबैग, ABS विद EBD, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, रियर पार्किंग सेंसर्स, सेंटर लॉक और रियर डोर चाइल्ड लॉक। इसके मुकाबले मारुति इग्निस काफी सेफ गाड़ी है। मारुति ब्रांड की इंडिया में सबसे सेफ हैचबैक कार है इग्निस। इसे क्रैश टेस्ट में 3 स्टार मिला हुआ है, यानी कि इग्निस एक ठीक ठाक सेफ कार है। और इस सेफ्टी को अचीव करने के लिए इग्निस के बेस वेरिएंट में मौजूद है ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, ABS विद EBD, प्रीटेंशनर्स एंड 4 लिमिटर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर डोर चाइल्ड लॉक, आइसोफिक एंकर्स और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो, वैगनआर के मुकाबले इग्निस में आपको काफी अच्छी सेफ्टी फीचर्स मिल जाती है। इसीलिए मारुति इग्निस ज्यादा सेफ कार है मारुति वैगनआर के मुकाबले। इसीलिए थर्ड पैरामीटर में सिर्फ इग्निस को ही एक पॉइंट मिलेगा। और अब स्कोर है वैगनआर 1 पॉइंट और इग्निस 4 पॉइंट। नंबर फाइव, वारंटी एंड सर्विस सेंटर। मारुति वैगनआर एंड मारुति इग्निस दोनों ही मारुति के प्रोडक्ट है, इसीलिए दोनों ही प्रोडक्ट में आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। सर्विस सेंटर की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट में आपको वाइड सर्विस नेटवर्क मिल जाएगी मारुति के, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट मारुति के है।
इसीलिए फिफ्थ पैरामीटर में दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलेगा और अब स्कोर है वैगनर 2 पॉइंट और इग्निस 5 पॉइंट। नंबर 6 प्राइस पॉइंट। प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो मारुति वैगनर LXi बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 4.80 लाख रुपए। मारुति इग्निस सिग्मा बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 4.95 लाख रुपए। इन दोनों में सिर्फ 15,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल जाता है और 15,000 रुपए ज्यादा खर्च करने के बाद इग्निस में मिल जाता है ज्यादा साइलेंट और ज्यादा पावर जेनरेट करने वाला 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इसीलिए 6 पैरामीटर का पॉइंट जाएगा सिर्फ इग्निस को और अब स्कोर है वैगनर 2 पॉइंट और इग्निस 6 पॉइंट। अब आखिर में बात करते हैं नंबर 7 कंक्लूजन की। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी वैगनर में मिलता है सिर्फ 1 लीटर इंजन, लेकिन इग्निस में आपको मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर वाला साइलेंट इंजन जो ज्यादा पावर और टॉर्क जेनरेट करता है। माइलेज भी आपको ठीक ठाक इग्निस में मिल जाता है। इग्निस में आपको वैगनर के मुकाबले सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी मिल जाता है। इसलिए मेरा चॉइस रहेगा मारुति इग्निस सिग्मा बेस वेरिएंट, क्योंकि ये गाड़ी बहुत सेफ कार है। इसलिए मैं मारुति इग्निस को रिकमेंड करूंगा मारुति वैगनर के मुकाबले। सो गाइस, ये था आज का कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना विद ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। We'll be right back.